ये आपने बहुत अच्छा किया साहब, पढ़ाई पूरी करके लंदन छोड़कर इंडिया वापस आ गए, वरना हमारे देश के नौजवानों का तो दिमाग खराब हो गया। पढ़ाई यहाँ से पूरी करके पैसा कमाने के लालच में हमें भी ऑफर मिला था साहब कनाडा में टैक्सी चलाने का, हमने तो साफ मना कर दिया। अब जो मज़ा और सुकून यहाँ की चटनी रोटी में है वो वहाँ के बड़े बड़े पकवानों में कहाँ है साहब। सही कहा दोस्त, अपने मुल्क को छोड़ने के बाद ही उसकी अहमियत पता चलती है। सही कह रहे हो। क्या मामला लगता है? ए रुको रुको, पुलिस आगे रोड ब्लॉक की हुई है, आप पीछे के रास्ते से जाइए। बात क्या है साहब? टेररिस्ट लोगों ने एक लड़की को साज मल्टीप्लेक्स में पोस्टेज बनाकर रखा हुआ है, इसीलिए आगे जाने की किसी को भी परमिशन नहीं है। यहाँ बहुत खतरा है, आप जल्दी से निकल जाइए। जाइए जी साहब। मैंने कहा गाड़ी रोको। साहब उधर बचिए साहब, साहब उधर खतरा है साहब। साहब प्लीज मुझे जाने दो। टेप करो जल्दी से कैमरे में लो, जल्दी से लो प्लीज। मुझे जाने दो। चलो पीछे हटो, चलो चलो। अमलदार पीछे करो इन्हें, पीछे चलो, पीछे हटो, पीछे पीछे। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे प्लीज। जाने देंगे, तुम्हें जाने देंगे। पहले सरकार हमारे साथियों को छोड़ दे, रिहा कर दे, उसके बाद तुम्हें जाने देंगे। क्या हो रहा है? कुछ उग्रवादियों ने एक लड़की को अपने कब्जे में ले लिया, अपनी मांगे मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। माशाअल्लाह। कहाँ चले गए थे उधर साहब? आप ऐसे मुआयना करने गया था। कमाल करते हैं साहब, यहाँ बड़े बड़े सूबा जाने की हिम्मत नहीं कर रहे, वहाँ का मुआयना करने चले गए। लड़की देखा साहब आपने? हाँ, लड़की को भी देखा और टेररिस्ट को भी देखा। आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ साहब, सिर्फ उनको देखने के लिए आपने अपने जान का जोखिम ले लिया। क्या लगता है साहब आपको, क्या लड़की के बचने का चांस है? कुछ नहीं होगा लड़की।